दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल फ्लाई विद क्रिश में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके मन में है कोई भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो का शुभारम्भ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लाइफाई के फाउंडर प्रोफेसर हेराल्ड हास हैं, जो कि यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के प्रोफेसर हैं। इन्होंने दोस्तों फाउंड की थी लाइफाई टेक्नोलॉजी को, जिसमें लाइट बल्ब की रोशनी से हमारे स्मार्टफोन्स और अदर डिवाइसेस में इंटरनेट जो है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चल सकता है। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाइफाई के बारे में। वाईफाई नहीं, लाइफाई। जी हाँ दोस्तों, लाइफाई एक नई टेक्नोलॉजी जो आई है मार्केट में और जल्द ही इसे सभी घरों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, लाइफाई है क्या? दोस्तों, लाइफाई जिसका पूरा नाम लाइट फाइडेलिटी है, ये एक हाई स्पीड ऑप्टिकल वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें दोस्तों लाइट बल्ब से निकलने वाली रोशनी से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि वाईफाई और लाईफाई दोनों मिलते जुलते हैं, बट असल में ये दोनों काफ़ी अलग हैं। वाईफाई और लाईफाई दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है, वो ये है कि दोनों में ही डेटा जो है वो वायरलेसली ट्रांसफ़र किया जाता है। लाईफाई में जो डेटा है वो लाइट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, मतलब लाईफाई में इंटरनेट जो है वो लाइट के थ्रू चलता है, तो इसकी स्पीड जो है वो अप टू 224 Gbps तक जाती है, जो कि वाईफाई के कंपेयर में 1000 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, अभी लाईफाई की टेक्नोलॉजी हर जगह अवेलेबल नहीं है, वरना आप 4K जैसी मूवीज जो है सेकंड्स में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 4GB, 5GB, 10GB तक की मूवीज जो है सेकंड्स और मिनटों में डाउनलोड हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि लाईफाई जो है वो काम कैसे करता है। दोस्तों, लाईफाई के काम करने के लिए सबसे पहले हमें 4 कॉम्पोनेंट की जरूरत होती है। तो वो है लैम्प ड्राइवर, LED बल्ब, फोटो डिटेक्टर और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरनेट की। अब दोस्तों, ये काम कुछ इस प्रकार करता है कि इंटरनेट सोर्स जो है वो लैम्प ड्राइवर से जुड़ा होता है, और लैम्प ड्राइवर जो है वो इंटरनेट से आने वाली इंफॉर्मेशन को LED बल्ब में ट्रांसफ़र करता है। फिर दोस्तों, जो लाइट LED बल्ब से निकलती है वो फोटो डिटेक्टर से जाके टकराती है, और दोस्तों वो फोटो डिटेक्टर जो है वो लाइट को डेटा में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है। उसके बाद वो फोटो डिटेक्टर कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स में डेटा प्रोसेस होने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो ऑडियो, वीडियो और डेटा में कन्वर्ट हो जाता है और हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस के साथ लाईफाई काम करता है और इंटरनेट से होते हुए वो डेटा हमारे फ़ोन में ट्रांसफर होता है। मतलब दोस्तों, इसी प्रोसेस से जो है गुजरने के बाद हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप में लाईफाई के थ्रू इंटरनेट चलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। लाईफाई टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब इसका ये है कि LED बल्ब जो है बहुत सस्ते होते हैं और साथ ही साथ ये हमें हर जगह मिल जाते हैं, और दोस्तों ये एनर्जी का एक अच्छा सोर्स होते हैं। इसकी वजह से इंटरनेट जो है बहुत ही स्मूथली चलता है, तो इसीलिए ये एफिशिएंट होते हैं। अब दूसरी एडवांटेज है इसकी अवेलेबिलिटी। दोस्तों, अगर ये लाईफाई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये आपको ईजिली हर जगह मिल जाएगी, जैसे कि ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स एंड जहाँ जहाँ लाइट्स अवेलेबल होंगी, मोस्टली हर जगह ये आपको अवेलेबल मिलेंगी। इसकी तीसरी एडवांटेज है सिक्योरिटी। दोस्तों, जिस तरीके से लाइट एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा सकती क्योंकि बीच में दीवार होती है, उसी तरह इसका सिग्नल भी एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा सकता, जिसकी वजह से आपके अलावा और कोई भी आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, जिससे आपका इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा सिक्योर। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। दोस्तों, सबसे पहली डिसएडवांटेज ये है कि आपको हर टाइम लाइट ऑन रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ इसकी रेंज जो है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, तो ये एक स्मॉल एरिया में ही चलता है। अब इसमें अगर लाइट के साथ साथ सनलाइट भी पड़ती है तो इससे इंटरनेट में होती है थोड़ी प्रॉब्लम, और डेटा ट्रांसफ़र में भी ये करता है दिक्कत। तो सनलाइट की वजह से लाईफाई के चलने में हो सकती है आपको प्रॉब्लम। अब दोस्तों, इस पर हर न्यू लाईफाई कनेक्शन के लिए एक नया इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मतलब हर बल्ब में एक अलग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अभी आपको पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक नई टेक्नोलॉजी है तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों, ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लाईफाई को यूज़ करने के। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो कि लाईफाई टेक्नोलॉजी जो है वो है क्या। दोस्तों, देखना ये है कि लाईफाई टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी हमारे आस पास आती है और कब हम इसे यूज़ कर पाएंगे। तो
दोस्तों मैं तो हूँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। अगर आप भी हैं लाइफाई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसके रिलेटेड आपके मन में हो कोई भी डाउट तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों लूंगा मैं आपसे इजाज़त, मिलूंगा कल फिर एक नई बड़ी खबर के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।